गाइस शोरूम पे आए थे और साइकिल देख सकते हैं क्या मस्त मस्त साइकिल आई है। तो आपको मस्त मस्त सा राइड देखने को मिलने वाला है संडे को। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत और आज मैं फिर निकला हूँ घर से बाहर छोटी मोटी राइड करने के लिए। तो आपको भी लेके आया हूँ साथ में। उम्मीद करता हूँ आज के छोटा सा व्लॉग आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा तो प्लान था सुबह साइकिल राइड करने का, लेकिन भाई साहब मैं सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के वापस फिर से सो गया था, क्योंकि कल मैं साइकिल चलाया था, थोड़ा बदन हाथ में दर्द हो गया था क्योंकि साइकिल वाइकिल अभी चला नहीं रहा हूँ उतना, तो साइकिल चलाने का आदत छूट गया है। और संडे को हमारी राइड है साइकिल राइड, पता नहीं वो 30 किलोमीटर की राइड मैं कैसे करूँगा, वो तो वक्त ही बताएगा कि कैसे करूँगा। आप भी देख लो कि मेरा हालत ख़राब होगा या नहीं। तो आज सुबह सुबह साइकिल व्लॉग बनाने वाला था लेकिन वो तो कैंसिल हो गया, सुबह सो गया तो उठा लेट से। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं किसी काम से, तो सोचा आपको भी ले लूँ। और अभी हम लोग फ़िलहाल हैं आसनसोल में। बाइक में अपनी एयर पता नहीं पंक्चर, सारा बाइक में 3 पंक्चर थी, मैंने तीनों पंक्चर एक साथ बनवाया था, लेकिन फिर पता नहीं हवा कहाँ से निकल रही है। तो अभी फिर मैंने हवा डलवाया है इसमें। हवा डलवाने के बाद बाइक बढ़िया चलती है, लेकिन हवा जब कम होता है तो बाइक थोड़ी जाम जाम से चलती है और माइलेज भी कम देती है बाइक में अगर हवा कम हो गाड़ी में। तो गाइस देख सकते हैं बंदा कैसे सोया हुआ है गाड़ी में। भाई साहब इतनी गाड़ी हिल रही, पता नहीं कैसे सोया हुआ है ये। वैसे आसनसोल में मोबाइल की एक्सेसरीज़ वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक के सामान है, सब यही मार्केट में मिलते हैं। देख सकते हैं पूरा बड़ा सा मार्केट है, पहले नहीं था इतना शॉप यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे शॉप्स खुल गए हैं और सारा इलेक्ट्रॉनिक्स यहीं पर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस एक छोटा मोटा काम था मेरा और काम हो चुका है। अभी फ़िलहाल निकलते हैं घर के लिए मोटो ब्लॉग करते हुए। तो गाइस यहां से मैं लेके चलता हूं आपको साइकिल शोरूम में, हीरो स्प्रिंट स्टोर में, जहां से हमारे संडे को राइड होने वाली है। तो वहीं लेके चलते हैं, देखते हैं क्या प्लान है वहां का संडे को। तो यहां हम आ चुके हैं हीरो स्प्रिंट स्टोर। गाइस शोरूम पे आए थे और साइकिल देख सकते हैं क्या मस्त मस्त साइकिल आई है। तो आपको मस्त मस्त सा राइड देखने को मिलने वाला है संडे को। संडे को हमारी राइड होगी यहीं से हीरो स्प्रिंट स्टोर से, और ये साइकिल अभी नहीं आई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो गाइस चला जाए यहाँ से। गाइस इस जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, अभी जाकर सिग्नल क्लियर हुआ कितने देर के बाद। भाई साहब गर्मी से तो मैं भीग गया हूँ पूरा एकदम। कल मैं पार्क जाऊंगा साइकिल लेकर, थोड़ा सा ऑफरोडिंग वगैरह करने वाला हूं साइकिल से। तो कल के वीडियो में आपको साइकिल ब्लॉग देखने को मिलने वाला है। और अभी मैं नहा हुआ के फ्रेश हो गया हूं। आज है फ्राइडे और आज का कहीं का प्लान बन रहा है जाने का, तो शायद हो सकता है नमाज के बाद कहीं जाएं। और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, देख सकते हैं आप पूरा छत मेरा गीला हो चुका है और बारिश हो रही थी। नीचे घर पे कुछ काम वाम भी लगा हुआ है, तो काम हो रहा है। मैं अभी हूँ अपने न्यू वाले घर पे, तो यहाँ पुट्टी का काम चल रहा है, मिस्त्री के लगे हुए हैं, घटाई कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और बाइक है जो गंदी हो रही है अपनी, इसमें लगा हुआ एग्जॉस्ट। तो इस बाइक पे भी एक ब्लॉग आएगा बहुत ही मस्त सा, और इस पर भी ब्लॉग करेंगे, दिखाएंगे गाड़ी की आवाज़ वाज़ कैसी है। फिलहाल चलते हैं बाहर, अभी काम हो रहा है घर पे, देख सकते हैं बेसिन वेसिन लग चुका है और ऊपर भी कुछ काम हो चुका है। चला जाए गाइज़। हम लोग आए हैं मज़ार पे, मैं हूँ और छोटू भी हैं साथ में। तो गाइज़ जब यहाँ पर उरूस लगा था तो हम लोग आए थे मेला घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाए थे और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी गया था। तो आज उसके बाद नहीं आए हैं, तुम एक बार आए थे, हो सकता है आए हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद। छोटू भी का कहना है कि जब पहले हमारे पास गाड़ी नहीं होता था तो किसी और से गाड़ी मांग मांग के आते थे, पर हफ्ता आते थे, और जब अब गाड़ी हो गया है तो हम लोग आते नहीं है। तो दो साल तीन साल पे, तो इसलिए छोटू बोले कि नहीं आज चला जाए, पहले ये गाड़ी नहीं था तो हम लोग हमेशा आते थे, अब गाड़ी आ गया है तो नहीं आ रहे, तो चला जाए अपना गाड़ी से जाएंगे। तो छोटू भी के साथ आए हैं, अभी ये जा रहे हैं वज़ू बनाने के लिए, वज़ू खाना इधर, काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ के। तो गाइस सिरनी ले ली हम लोग, देख सकते हैं, और यहाँ पे छोटू भैया, और अंदर में कवाली हो रहा है, तो देख सकते हैं सामने का व्यू मज़ार का कुछ ऐसा है। चला जाए अंदर। तो गाइस देख सकते हैं वहाँ पे एक अंकल है, देखिए यहाँ पे ये येलो शर्ट वाले अंकल है, ये पूरा दाना लिए हुए कबूतर के लिए, सब कबूतर का पेट एकदम भरा हुआ है और कोई नीचे नहीं आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ है, यहाँ है, लेकिन नीचे कोई भी नहीं आ रहा, सारा दाना फेंक रहे लेकिन कोई आ ही नहीं रहा।
तो गाइस फातिहा खानी वगैरह पढ़ लिए हम लोग आ चुके हैं बाहर में। बाहर में अच्छे से बैठे हुए हैं, काफ़ी सुकून मिल रहा है यहाँ बैठने में। क्या छोटे भाई कैसा लग रहा है? और शांति फील हो रहा है। बगल में कवाली बज रहा है, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। और सभी लोग आ रहे हैं आज के दिन, तो बहुत सारे लोग आते हैं देख सकते हैं। मेला का टाइम तो भीड़ होता ही है, लेकिन हफ्ता में ये फ्राइडे के दिन खास करके ज़्यादा भीड़ होता है। सब नमाज पढ़ने के बाद सब, हाँ जितना भी इधर में मतलब रानीगंज बेल्ट ऐसा है ना कि इधर में सब गैरेज डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जितना मैकेनिकल लाइन है सबका आज ऑफ रहता है। इसलिए जुम्मा पढ़ के सब, कितना आदमी जुम्मा यहाँ पढ़ता है, कितना आदमी जुम्मा पढ़ के आता है बाज़ार, एक बार आना ही है, दिन भर में एक बार आता ही है। और वहाँ पर कबूतर आ चुका है अंकल, काफ़ी देर से ट्राई करते कबूतर को नीचे लाने में, फाइनली अब कबूतर लोग नीचे आया है अभी। तो गाइस फाइनली निकल रहे हैं घर के लिए, और देख सकते हैं सामने ये मज़ार, देख सकते हैं पूरा मज़ार दिख रहा है आपको। और गाड़ी चला रहा हूँ मैं, मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश होने का पूरा एकदम संभावना है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चला जाए। तो गाइस अभी मैं जस्ट नमाज़ पढ़ के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के छोटा सा ब्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।